बसपा जिलाध्यक्ष ऋषि कपूर की अगुवाई में बसपा कार्यकर्ताओं ने सिपाही पंकज कुमार को न्याय दिलाने के लिए एसएसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में जिलाध्यक्ष ऋषि कपूर ने बताया कि 4 अक्टूबर को थाना कैंट के अंतर्गत स्थित डॉक्टर अनुज सरकारी के अस्पताल में सिपाही पंकज अपनी पत्नी का इलाज कराने गए थे। जब जाँच के शुल्क पर सवाल उठाया तो डॉक्टर के बाउंसर ने पंकज को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जब पंकज द्वारा थाना कैंट में मामला दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी, उल्टा डॉक्टर की शिकायत पर सिपाही पंकज के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस अन्याय के खिलाफ बसपा कार्यकर्ताओं ने एसएसपी से मांग की है कि डॉक्टर अनुज सरकारी और उनके बाउंसरों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए, अगर न्याय नहीं मिला तो बसपा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बसपा जिलाध्यक्ष ऋषि कपूर ने कहा, दिनांक 4 अक्टूबर को गोरखपुर शहर के अंतर्गत थाना कैंट के अंतर्गत डॉक्टर अनुज सरकारी जी प्रैक्टिस करते हैं, ये उस दिन की मांग को लेकर के उस दिन पुलिस विभाग के कर्मचारी सिपाही पंकज कुमार अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए उनके क्लिनिक पर गए हुए थे और वहाँ जाने के बाद उनको अल्ट्रासाउंड कराने की बात कही गई और अल्ट्रासाउंड डॉक्टर अनुज सरकारी के क्लिनिक में ही होता है और जब वो उस क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए तो अल्ट्रासाउंड का फीस ज़्यादा मांगा जाता है और बस इतनी ही बात पूछ ली गई, इतनी ही बात सिपाही पंकज कुमार द्वारा पूछ ली जाती है डॉक्टर अनुज सरकारी जी से कि हर जगहों पर तो अल्ट्रासाउंड के फीस कम है, वो गोरखपुर के अन्य डायग्नोसिस सेंटर हों या फिर गोरखपुर के बाहर के जो अन्य ज़िले हैं वहाँ भी, तो ऐसे में ऐसी कौन सी बात है कि आपके यहाँ अल्ट्रासाउंड की फीस ज़्यादा ली जा रही है। बस यही बात पूछना उस सिपाही के लिए काल हो गया, इसी बात से नाराज हो करके, इसी बात पे डॉक्टर अनुज सरकारी नाराज हो करके पहले उससे सिपाही से गाली गलौज करने का काम करते हैं और जब सिपाही इस बात का विरोध करता है तो अपने बाउंसरों को बुला करके, अपने कर्मचारियों को बुला करके डॉक्टर अनुज सरकारी और उनकी पत्नी दोनों के इशारे पर उस पुलिस वाले को बेरहमी से मारा जाता है और उस पुलिस वाले को अधमरा समझ करके उस क्लिनिक के बाहर, डॉक्टर अनुज सरकारी के क्लिनिक के बाहर फेंक दिया जाता है। इस बात को लेकर के वो डॉक्टर अनुज सरकारी द्वारा ये जो कुकृत किया गया, इस मामले को लेकर के सिपाही पंकज कुमार की पत्नी कैंट थाने में जा करके तहरीर देने का काम करती है, लेकिन उस तहरीर को कैंट थाने में रख तो लिया जाता है लेकिन सुनवाई नहीं की जाती है। जब सुनवाई नहीं की जाती है इस मामले को लेकर के वो महिला फिर अन्य जगहों पर जाने का काम करती, एसएसपी साहब के पास भी सिपाही पंकज कुमार की पत्नी आने का काम की, लेकिन उस एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। जबकि पीड़ित पंकज कुमार है, मारा बेरहमी से जान से मारने की कोशिश पंकज कुमार को की गई, सिपाही पंकज कुमार को, और उल्टे ही पुलिस प्रशासन द्वारा अपने ही सिपाही के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके, गंभीर संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल की चार दीवारी के अंदर डालने का काम किया जाता है। ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्मसार करने वाली बात है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार, जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।